हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, आज ही रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है खुदा हाफिज। ये मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। मूवी की ओवरऑल लेंथ करीब 2 घंटे 14 मिनट की है। इसमें हमें नजर आते हैं आउटसाइडर विद्युत जम्वाल, शिवालेका, अन्नू कपूर, शिव पंडित, आहना कुमरा और नवाब शाह। इसे डायरेक्ट किया फारूक कबीर ने। बात करेंगे इस मूवी की तो यार, कहानी शुरू होती है लखनऊ से, जहां पर हमें नजर आते हैं समीर जो कि एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उनकी शादी होती नरगिस से और शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब पूरे वर्ल्ड में हो जाता है रिसेशन। अब उसके बाद समीर का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और नरगिस को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। अब उसके बाद उन दोनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। बात करते हैं इस मूवी की, तो मैं आप लोगों से इतना ही कह सकता हूं कि ये मूवी का रियल एक्सपीरियंस था थिएटर में। और ये मूवी को आप लोग थिएटर में देखते थे ना, तो मैं आपको यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जितना मजा हमें घर पर बैठ के इस मूवी का आया ना, उससे कई ज्यादा हमें इस मूवी का मजा थिएटर में देखने को मिलता है। क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक ये मूवी आपको जगह से हिलने नहीं देती है। उसके अलावा इस मूवी में इतने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो आपको जगह से हिलने देते नहीं है। बात करेंगे इस मूवी में कैरेक्टर्स की, तो यार हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर लिखा गया, स्पेशली नरगिस और समीर। और मूवी के स्टार्ट में आपको इन दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो आपको फील होगा और इजीली आप इन दोनों कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हो। और उसके बाद यही दो कैरेक्टर की वजह से आप लोग इमोशनल भी फील करते हो। उसके अलावा इस मूवी में विद्युत जम्वाल है, तो एक्शन की तो बात करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर इस पूरी मूवी का एक हाइलाइटेड सीन है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। तो वो सीन कुछ ऐसा है भाई, जब विद्युत जम्वाल को बहुत सारे गुंडे लोग घेरे हुए होते हैं, उसको मार रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो वो चाकू से सब पर हमला करता है, वो सीन लिटरली आपको गूजबम्स लेके आता है। और वही एक सीन पूरी इस मूवी में आपको याद भी रह जाएगा। अलावा इस मूवी में इतना ज्यादा एक्शन है नहीं, और जितना भी है उसको उतने बड़े स्केल में यहाँ पर शूट किया नहीं, मैंने काफी सिंपल एक्शन रखने की कोशिश की है। आप जो विद्युत जम्वाल की मूवीज में नॉर्मली देखते हो, उस लेवल के एक्शन सीक्वेंस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो एक जो पर्टिकुलर सीन है वो तो इस मूवी का हाईलाइट है। उसके अलावा अगर क्लाइमेक्स की बात करें तो क्लाइमेक्स मुझे ओके लगा। बात करेंगे हम लोग इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी की, तो भाई यहाँ पर अरब कंट्री हमें देखने को मिली जो कि इतनी खूबसूरत तरीके से उन लोगों ने पूरी को कैप्चर किया है। और इवन एक्शन सीन्स में भी वो सिटी का जिस तरीके से वो लोगों ने इस्तेमाल किया ना, वो देखते ही बनता है भाई, एकदम पैसा वसूल है। उसके अलावा बात करेंगे अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की, तो मैं हम लोग अन्नू कपूर सर की बात करेंगे। उन्होंने अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। और मैं आपको इतना कह दूं कि यहाँ पर जितने भी एक्टर्स है, उन लोगों ने वहां पर अरब कंट्री में अगर कोई हिंदी बोलेगा तो वह एक एक्सेंट होता है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरह से ये लोगों ने पकड़ा यार। जब उनके मुंह से आप ये डायलॉग सुनोगे ना, तो आप ये पकड़ ही नहीं पाओगे कि भाई ये लोग वाकई में इंडियन से कि ये लोग भारतीय एक्टर है जो हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आहना कुमरा हो या शिव पंडित हो या अन्नू कपूर हो, इन तीनों ने उस सीन को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ा है। उसके अलावा अगर मैं नवाब शाह की बात करूं जो कि यहाँ पर नेगेटिव रोल में, उनसे थोड़ा और भी ज्यादा खतरनाक काम लिया जा सकता था, लेकिन उनका मुझे इस मूवी में पर्टिकुलर रोल काफी कम महसूस हो रहा था। लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनका रोल थोड़ा और ज्यादा होता और थोड़ा खतरनाक होता तो और भी देखने में मजा आता। शिवालेका का काम इतना ज्यादा इस मूवी में है नहीं, तो जितना भी उसका रोल था उसने बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म किया। लेकिन अब बात करेंगे आउटसाइडर विद्युत जम्वाल की, तो इस पूरी मूवी में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि उन्होंने एक हस्बैंड का रोल प्ले किया जो एक बाहर नई कंट्री में गया, जहां पर वो किसी को जानता नहीं है और वहां के लोग भी इतने ज्यादा अच्छे है नहीं। अब उसकी वाइफ वहां मिसिंग हो गई, तब उसकी वाइफ को वहां पे ढूंढ भी रहा है, साथ साथ वो डर भी महसूस कर रहा है। तो एक डरा हुआ सहमा हुआ आदमी किस तरीके से बात करेगा, किस तरीके से उसके हाथ पैर शिवर करेंगे, वो क्या कुछ चीजें महसूस करेगा, इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से विद्युत जम्वाल ने पकड़ा है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया विद्युत जम्वाल ने इस मूवी में। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि इस मूवी में स्टार्टिंग में आपको एक एडल्ट सीन देखने को मिलता है, यानी कि हनीमून सीन है, तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर दोगे तो उसके अलावा आपको सिर्फ वॉयलेंस के सीन देखने को मिलते हैं जो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते। उसके अलावा अगर आपके घर में एडल्ट्स है तो आप लोग इस पूरी मूवी को फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। कुछ कुछ सीन्स आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा। उसके अलावा ये पूरी फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। इस मूवी को अगर मैं रेटिंग दूंगा तो वो है 5 out of 5। मुझे मूवी में कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। ये मूवी एक बहुत ही फास्ट पेसिंग मूवी है, यानी कि स्टार्ट कब होती है और खत्म कब होती है आपको जरा भी पता नहीं चलता है। तो यार बस इस वीडियो में इतने। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और आपने अगर ये मूवी ऑलरेडी देख चुके हो तो आप अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। तो यार बस मैं मिलूंगा आपसे कल किस नए वीडियो में। टिल देन खलास।